देखिए, सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसके बाद हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझ पर भरोसा जताया और कांग्रेस पार्टी ने मुझे तीसरी बार भगवानपुर से टिकट देने का कार्य किया, जिस पर भगवानपुर की सम्मानित जनता ने बहुत समझदारीपूर्ण फैसला लिया और मुझे उसी तरह से अपना आशीर्वाद, सहयोग और सम्मान देने का काम किया जिस तरह से पिछले चुनाव में उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। मैं दिल के गहराइयों से भगवानपुर की सम्मानित जनता का, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं का, ये हमारी कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत का नतीजा है कि आज जो प्रचंड जीत यहाँ पर हुई है, इस जीत का मैं श्रेय अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सम्मानित जनता को किस तरह से मनाने जा रही है इसको पूरे? निश्चित रूप से जनता की सेवा करके ही इस जीत को मनाऊंगी और उन वादों पर खरा उतरने का कार्य करूंगी जो वादे मैंने जनता से किए। आप लगातार 3 बार जीते, सरकार नहीं बनाई, तो किस तरीके से आपकी भूमिका रहेगी विपक्ष के रूप में? देखिए, विपक्ष के रूप में हम अपना समीक्षा करने का काम करेंगे, कहाँ क्या कमियाँ रही हैं, किस वजह से हमारे कुछ जो कैंडिडेट थे वो हारे हैं, तो उस पर समीक्षा करते हुए उन कमियों को दूर करने का काम करें।